हेलो तो सब्सक्राइब जीवन अपनी प्योरीफाइंग में लग जाता है। वो अपना बाहर नहाने चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे एक डायमंड पिल तुमसे छीन लूंगा। और इतना कहने के बाद वो तुरंत जोयान की तरफ बढ़ता है और हंसते हुए जोयान के ऊपर अपना पावरफुल पंच जोयान की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि जोयान उसके पंच को काफी ज्यादा स्लो मोशन में आराम से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद जोयान कहता है, तुम जैसे नंगे पुंगे बंदर से मुझे अलर्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जायंट और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। और इसके बाद अपने पंच की पावर थोड़ा और बढ़ा देता है और अपनी पूरी पावर के साथ वो पंच सीधा ही जोयान को मार देता है और जोयान वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये होती है एक आफ्टर इमेज और ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा सदमे में होता है कि जोयान ने इतनी नजदीक से उसे डॉच कैसे कर लिया। जिसके बाद वो कहता है, ये कैसे हो सकता है। एक बात अब उसे समझ में आ गई थी कि जोयान की जो स्पीड है उसी के कारण जोयान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इतना सोचने के ही साथ उसका दिल तेजी से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद उसे यही लगता है कि जोयान की ओरिजिनल पावर क्या होगी। वो मानने को ही रेडी नहीं था कि जोयान की पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल पर है। हालांकि ये बंदा यहाँ पे अपने सोच विचार में बिजी था, तभी जोयान कहता है, क्योंकि तुमने अपनी चाल चल दी है तो अब मेरी बारी होनी चाहिए। और जैसे ही ये वॉइस उस हट्टे कट्टे जायंट के कान के अंदर जाती है, उसके फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और बॉडी बहुत जोरों से कांपना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो एक झटके के साथ पीछे हटने ही वाला था कि तभी जोयान उसके सामने आकर तुरंत ही अपना पावरफुल अटैक उसकी चेस्ट पे कर देता और वो तुरंत ही रोते हुए पीछे की तरफ जाता है। जोयान का जो ये अटैक था वो था सोल सप्रेसिंग सील। इस टाइम पे वो 1000 फीट तक उड़ते हुए गया था और जमीन पे एक बहुत बड़े गड्ढे को बनाकर उसके अंदर घुस चुका था। साथ ही साथ उसका ऑरा पूरी तरीके से गायब हो गया था, जिसका मतलब था खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। जोयान के एक सिंपल हैंड अटैक से 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल को मरता हुआ देखकर वो सभी लोग और मैजिकल बीस्ट जो कि एम्परर गेट की पिल के कारण अट्रैक्ट हुए थे तुरंत ही अपनी जान बचाकर चौंक जाते हैं। इस टाइम पे उनके लिए सोचना भी कठिन था कि अगर वो जोयान के साथ फाइट करते तो क्या होता। हालांकि तभी वो मैजिकल बीस्ट पीछे हटना भी स्टार्ट कर देते हैं और काफी ज्यादा डरी हुई नजरों से जोयान को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो जोयान से एम्परर गेट की पिल के लिए लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। यहाँ पे जोयान भी मुश्किल से ही सांसें ले रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने एक एम्परर गेट की पिल को रिफाइन किया था, जिसके बाद उसने सोल सप्रेसिंग सील का यूज किया था। जिसके बाद जोयान की बॉडी के अंदर सोल बीड में अब ज्यादा सोल एनर्जी नहीं बची थी और जोयान बस जबरदस्ती अपने आप को खड़े किए हुए था और इसके लिए जरूरी था कि वो इन सभी मैजिकल बीस्ट को यहाँ से दूर भेज दे। जिसके बाद जोयान उनकी तरफ देखते हुए कहता है, 10 एक्सचेंज के भीतर मारे जाओ या ये जगह छोड़ दो। उन सभी लोगों ने जोयान का ऑरा तो पहले ही फील कर लिया था। जोयान की बात को सुनकर आगे बढ़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। हालांकि उस मैजिकल बीस्ट के ग्रुप में काफी सारे 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के भी मैजिकल बीस्ट थे, लेकिन उन सभी लोगों को यही लग रहा होता है कि जोयान की पावर वो नहीं है जो जोयान दिखा रहा है। उसकी पावर कम से कम 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर होनी चाहिए। हालांकि वे एक दूसरे को देखते हैं और कुछ शक भरी नजरों से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर वो जोयान की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले उसी डायरेक्शन की तरफ वापस उड़ जाते हैं जिस डायरेक्शन से वो आए थे। सभी लोगों के चले जाने के बाद जोयान की जो बॉडी होती है अचानक ही लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाती है और इसके बाद जोयान बड़ी मुश्किल से कियान यान के सामने पहुंचता है। जिसके बाद वो स्क्विड फिगर को देखता है जो कि अभी अभी बेहोश हो चुकी थी और इस 1 महीने में उसने जितनी भी रिकवरी की थी वो उस हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण सब बर्बाद हो चुकी थी। और इस बार कियान यान की बॉडी में जो चोटें लगी थी वो 1 महीने से पहले की तुलना में भी काफी ज्यादा सीरियस थी और इस टाइम पे अगर जोयान उसे जल्दी से रिकवर नहीं करता तो कियान यान की लाइफ खतरे में पड़ सकती थी। जिसके बाद जोयान में गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या बेवकूफ लड़की है, क्या ये और नहीं जीना चाहती। हालांकि जोयान अपने आप को जल्दी ही कंट्रोल करता है और इसके बाद अपने मेडिसिनल कुलड्रोन के पास पहुंचता है, जहां पे आसमान में काले बादल बस गायब ही होने वाले थे और साथ ही साथ जोयान के कुलड्रोन के अंदर एक प्यारी सी मेडिसिनल पिल दिखाई देने लगी थी और उसके अंदर से गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है। हालांकि जोयान तुरंत ही उस कुलड्रोन को देखते हुए रिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन स्किल का यूज करता है जो कि पिल को कैद कर लेती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी जीभ को काटकर ब्लड एसेंस को भी उसके साथ मर्ज करता है और जोयान की हेवनली फ्लेम तुरंत ही एक सर्कल में चेंज हो जाती है और जोयान की मेडिसिनल कुलड्रोन में जाकर गिरती है और तुरंत ही उस गोली के आसपास घूमना स्टार्ट कर देती है और वो मेडिसिनल पिल इस चक्कर में बुरी तरीके से कांपना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वो पिल जैसे ही बाहर निकलती है तो ट्रांसफॉर्मेशन रिंग डिवाइन फॉर्मेशन के कारण वो यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जा पा रही थी। हालांकि जोयान देखता है कि अभी अभी जो पिल बाहर निकल रही थी अचानक ही वापस कुलड्रोन के अंदर चली गई है और ये अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट होने को रेडी नहीं थी। ये देखकर जोयान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले ही डेड होने वाली थी और वो अब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिसके बाद जोयान अचानक सोचता है कि आखिरकार कियान यान कैसे हैवीली इंजर्ड हुई,
तो उसे तुरंत ही समझ आता है, और जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वो सिर्फ जोयान के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहती थी ताकि जोयान को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस बार उसने अपनी इस हिडन टेक्निक का इस्तेमाल जोयान को ही बचाने के लिए किया था, जिसके बाद जोयान उसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और यही सोचकर अचानक ही जोयान के फोरहेड से गोल्डन लाइट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बाद अपीयर होता है जोयान का क्लेन टैटू। क्लेन टैटू के अपीयर होते ही जोयान का जो ऑरा होता है अचानक से कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है, जिसके बाद जोयान अपनी पूरी ही पावर का यूज करके पिल ट्रांसफॉर्मेशन रिंग को क्रिएट करने के लिए अपनी पूरी ही पावर का यूज करने लगता है, जो कि अभी तक हाफ ही कंप्लीट थी, और धीरे धीरे वो कंप्लीट होना स्टार्ट भी हो जाती है। जिसके बाद हमें एक बार फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जोयान एक खाली जगह पर अपनी आंखों को बंद करके पालथी मार के बैठा हुआ था। इस टाइम पे जोयान का चेहरा थोड़ा सा पीला था, साथ ही साथ उसके थोड़ी ही दूरी पर क्यान यान लेटी हुई थी, जो कि अभी भी सबकॉन्शियस थी, और उसने भी ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, चेहरा पूरी तरीके से पीला था और इंजरीज भी काफी ज्यादा हैवी थी। इस टाइम पे जोयान अपनी आंखों को बंद करके आसपास की नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रहा था और अपनी पावर को धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। और जहां तक क्यान यान की बात थी, तो जोयान ने उसे डाई टीआर की पिल को खिला दिया था और जोयान उसके बॉडी के अंदर की बढ़ती हुई पावर को फील कर सकता था। हालांकि इस टाइम पे क्यान यान की जो चोटें थी वो काफी ज्यादा हैवी थी, जिसके कारण जो मेडिसिनल पिल होती है वो उसकी चोटों के साथ पूरी तरीके से मिक्स और फ्यूज नहीं हो पा रही थी, इसीलिए ये अभी उसकी बॉडी में ही रहती है और उसकी चोटों को पूरी तरीके से रिकवर करने में हेल्पलेस फील कर रही होती है। हालांकि तभी जोयान अपनी आंखें खोलता है और क्यान यान की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेडिसिनल पिल क्यान यान की बॉडी के चोटों के साथ फ्यूज होने में कैपेबल नहीं है तो इसे स्वेलो करना बेकार हो जाएगा। और अगर जोयान चाहता था कि ये पिल उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाए तो जोयान यहाँ पे केवल अपनी ड्यूईक्वी का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि क्यान यान तो इस टाइम पे बेहोश होती और वो अपनी ड्यूईक्वी का यूज नहीं कर सकती थी। हालांकि ये सोचते ही जोयान अचानक ही काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जोयान भी काफी ज्यादा वीक था, और अगर जोयान इस टाइम पे क्यान यान की हेल्प उसकी मेडिसिनल पिल को फ्यूज करने के लिए करता है तो जोयान भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, क्योंकि पावर डेड हो जाएगी। हालांकि तभी जोयान अपने होंठों को सिकोड़ लेता है, उसे अच्छी तरीके से पता था कि क्यान यान की यह हालत उसी के कारण हुई है और ये सब उसने उसी के लिए किया है। ये कहा जा सकता था कि अगर पहले क्यान यान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता तो जोयान उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके भाग्य के ऊपर छोड़कर चला जाता, लेकिन किस्मत ने जोयान का अच्छा पोपट बनाया था और अब जोयान को डर था कि उसे इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। मुसीबत मीन्स क्यान यान का। जिसके बाद जोयान अपनी ड्यूईक्वी को क्यान यान की बॉडी में डालना स्टार्ट कर देता है और उसकी मेडिसिनल पिल को एक्टिव करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी जोयान के दिल से आवाज आती है, जो कि गुयो की होती है, बच्चे क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम बचा रहे हो या उसे मार रहे हो? एल्डर गुयो की आवाज को सुनकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता और तुरंत ही आसपास देखता है, जिसके बाद गुयो की बात को सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और तुरंत ही उनसे काफी शक भरी नजरों से कहता है, क्या हुआ? मैं तो बस उसे बचा ही रहा हूँ, अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि ये लड़की अपनी इंजरी से कभी भी बच नहीं पाएगी, और अगर ये चोटें एक दिन के अंदर रिकवर नहीं होती तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जान का भी खतरा बन सकता है। तभी एल्डर गुयो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर आप जो कर रहे हैं वही करना आपने कंटिन्यू रखा तो ये लड़की एक दिन भी नहीं जी पाएगी। ए नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना राइटर प्लीज, अभी अभी तो ठरकियों को नोवेल में इंटरेस्ट आया है, कम से कम 2-4 चैप्टर और खींच दे। गुयो के वर्ड को सुनकर जोयान का चेहरा अचानक ही पीला पड़ जाता है। जोयान को समझ में नहीं आ रहा था कि गुयो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जोयान को उन पे शक बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए जोयान तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है। तभी एल्डर गुयो कहते हैं, इस छोटी लड़की ने काफी कष्ट सहे हैं और काफी चोटें भी झेली हैं, जिसके कारण इसकी इंजरीज पहले ही काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी हैं और वो इससे ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती। अब चाहे उसके इनर ऑर्गन्स हो, उसकी मेरिडियंस हो, वो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, और अगर आप अपनी पावरफुल ड्यूईक्वी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर देंगे तो उसकी चोटों को और ज्यादा खराब होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद भले ही गॉड ही क्यों ना आ जाए उसे बचाने में कैपेबल नहीं होंगे। गुयो की बात को सुनते ही जोयान के चेहरे से पसीना आने लगता है, जिसके बाद वो अपने दिल में राहत की सांस लेता है कि आखिरकार उसके साथ गुयो थे, वरना आज वो क्यान यान को तो मार ही देता। हालांकि तभी जोयान कहता है, एल्डर गुयो अगर ये मामला है तो क्या इसकी बॉडी के अंदर इस पिल को फ्यूज करने का कोई दूसरा तरीका है? जोयान की बात को सुनकर गुयो अपने होंठ से कोड़ लेते हैं और इसके बाद कहते हैं, आप तो एक रैंक 2 के एल्केमिस्ट हैं, लेकिन इस टाइम पे आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे आपने अभी अभी एल्केमी सीखी हो, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि आप नौसिखिया है? तभी जोयान खांसता और थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हुए गुयो की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझे एक हेवनली फ्लेम का यूज करना चाहिए? जोयान की बात को सुनकर गुयो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसके बाद उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेवकूफ,
एक हेवनली फ्लेम को तब तक एक्टिव नहीं किया जा सकता जबकि डुइकुई एक्टिवेट ना हो। ओल्ड मैन एक्यूपंचर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, रोम छिद्र। आपको इस लड़की के बॉडी के एक्यूपंचर पॉइंट की मालिश करनी पड़ेगी ताकि इसके बॉडी के जो डुइकुई है वो एक्टिवेट हो जाए, जिसके बाद इसकी डुइकुई खुद ही उस पिल को धीरे धीरे रिफाइन कर लेगी और इसकी चोटें भी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। जब जियोयान ओल्ड गुयु की ये बात सुनता है तो अचानक ही चौंक जाता है एक्यूपंचर पॉइंट की मालिश, जिसके बाद जियोयान तुरंत ही फ्लैशबैक में चला जाता है और डुइकुई कॉन्टिनेंट के मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का यूनियन और जियोयान वाला सीन उसके सामने आने लगता है। हालांकि तभी गुयु हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ छोटे भाई, ये तो एक अच्छा काम है, ही। गुयु की टांग खिंचाई को देखकर जियोयान तुरंत उन्हें तिरछी नजर से देखता है, जिसके बाद जियोयान थोड़ी देर सोचता है और ओल्ड गुयु की तरफ देखते हुए कहता है, ओल्ड गुयु, आपके हिसाब से मुझे मालिश करने के लिए कुछ एक्यूपंचर पॉइंट की आवश्यकता है। देखो एक्यूपंचर पॉइंट क्या होते हैं, जब आप लोगों को कहीं चोट लगती है ना तो वहाँ पे दर्द होता है, तो वहाँ के जो एक्यूपंचर पॉइंट्स होते हैं मतलब छिद्र या रोम छिद्र, मार्शल आर्ट में उन्हें दबाया जाता है जहाँ पे आपको पेन होता है, क्योंकि इससे आपको उससे ज्यादा जल्दी रिकवरी मिलती है। बाकी आप गूगल कर सकते हो, चलो आगे चलते हैं। तभी गुयु हंसते हुए कहते हैं, हे छोटे साथी, मुझे ये बात बताओ कि तुम नहीं जानते कि कुछ मेरेडियंस हैं जो कि कल्टीवेशन मेथड के लिए जरूरी होती हैं, साथ ही साथ कुछ मेरेडियंस जो कि इनर ऑर्गन से जुड़ती हैं। इस छोटी लड़की की चोटें हल्की नहीं हैं, तो याद रखें कि आपको इनर ऑर्गन पर हर एक मेरेडियन की अच्छे से मालिश करनी है, समझे। और इसके बाद वो फिर से हंसने लगते हैं और जैसे ही गुयु की बात जियोयान सुनता है तो उसका पीला चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है। ये देखकर गुयु एक बार फिर से स्माइल करते हैं, जिसके बाद सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है राइटर ने इज्जत बचा ली, जहाँ चिलचिलाती धूप के सामने जंगल काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। इस एक दिन के आराम के कारण कियानयान की जो बॉडी थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हील अप हो चुकी थी, जियोयान ने ढंग से मालिश की है। साथ ही साथ एम्परर पिल की जो पिल थी वो भी काफी अच्छी तरीके से उसकी बॉडी पे फ्यूज हो गई थी और उसके मिस्टीरियस इफेक्ट ने उसे काफी अच्छी तरीके से हील अप किया था। इस टाइम पे कियानयान की जो पावर थी वो भी 30% तक रिकवर हो चुकी होती है। हालांकि कियानयान की बॉडी में जो एम्परर टियर की पिल थी वो पहले ही फ्यूज हो चुकी थी, लेकिन कियानयान ने अभी भी उसकी पावर को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं किया था और उसे पूरी तरीके से एक्टिव करने के लिए उसे अभी भी कुछ दिन लगने वाले थे, जिसका मतलब था कि कियानयान की जो चोटें हैं एक हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से गायब और पावर पहले ही अपने पीक लेवल पर पहुंच जाएगी। उस टाइम पे जियोयान इस लड़की को छोड़ने में कैपेबल होगा, जिसके कारण उसे गुस्सा आ रहा था। हालांकि कियानयान ने इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था और वो तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और अपने रिट्रीट पे जाकर आसपास की नेचुरल एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है अपने डुइकुई मेथड को एक्टिवेट करके। दूसरी तरफ जियोयान भी एक गहरी नींद में सो रहा था, भले ही अभी दोपहर हो गई थी लेकिन जियोयान को देखकर यही लग रहा था कि वो थोड़े समय के अंदर तो उठने वाला नहीं है, क्योंकि जियोयान ने यहाँ पे एक बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर को डेट कर दिया था और साथ ही साथ जियोयान इसे बर्दाश्त करने में भी कैपेबल नहीं था, और इसीलिए रेस्ट ही एक अच्छी चीज थी जहाँ पे जियोयान अपनी पावर को वापस से रिकवर कर सकता था और फ्रेश फील कर सकता था। हालांकि जिलिन माउंटेन रेंज की गहराइयों के पास एक स्थान पर तीन ह्यूमन फिगर अचानक ही बाहर निकलती है और उसी दिशा की तरफ उड़ने लगती है जहाँ पे जियोयान था, और पलक झपकते ही हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोयान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और नींद से उठकर बैठता है तो उसके सामने वही क्यूट और ब्यूटीफुल सी लड़की दिखती है, जो कि काफी क्यूट सी ड्रेस को पहनकर हरी चट्टान पे पालथी मारकर बैठी थी और अपने कल्टीवेशन के साथ अपनी पावर को रिकवर कर रही थी, और उसका चेहरा इस टाइम पे गुलाबी रंग का हो चुका होता है, साथ ही साथ उसका बीक और अभी धीरे धीरे स्टेबल हो गया था। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा हैरान होता है और जमीन पर खड़ा होता है, तभी एक ठंडी हवा के साथ जियोयान की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है। इस टाइम पे जियोयान अपनी बॉडी के अंदर डुइकुई को फील कर सकता था जो कि रिकवर हो चुकी थी, जिसके बाद जियोयान रिलैक्स फील करता है। इस टाइम पे कियानयान जो कि अपने रिट्रीट में जा चुकी थी उसे भी पता था कि जैसे ही वो अपनी चोटों से रिकवर होगी जियोयान यहाँ से निकल जाएगा, जिसके बाद वो अपनी खूबसूरत आंखों को कांपते हुए खोलती है और उसकी आंखें सीधा ही आसमान में जियोयान के साथ मिलती है। हालांकि जियोयान की और कियानयान की आंखें अभी मिली ही थी कि तभी जियोयान को अचानक ही कुछ याद आता है, जिसके बाद जियोयान एक दूसरी डायरेक्शन पे देखने लगता है। तभी कियानयान भी अचानक ही काफी ज्यादा परेशान होते हुए उसी डायरेक्शन की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। हालांकि तभी एक चिढ़ती हुई आवाज आती है, छोटे साथी तुम परेशान क्यों हो रहे हो, जब तुम बेहोश थे तुमने मुझे अपने आप को सौंप दिया था, मैंने तुम्हें छिपाया था, अब जबकि तुम ठीक हो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स के साथ उनका सामना करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स का सामना करना चाहिए, वैसे भी आप सिर्फ तुम दोनों ही हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहना क्या चाहता है भाई ओल्ड गुयु? गुयु की वॉइस को सुनकर जियोयान का चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है, जिसके बाद जियोयान खांसते हुए कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है और इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, स्पष्ट रूप से अब तो वो जाग गई है, अगर मैं अब उसके ऊपर लेटा तो ये सही थोड़ी होगा, उस टाइम पे वो बेहोश थी और मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा था ताकि मैं उसकी मेरिडियंस की मालिश कर पाऊं,
ये साला फायदा उठा रहा था क्या। तभी गोयू घर की दोस्तों के जैसे जियान को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, आराम करो छोटे साथी, अगर वो वास्तव में तुम्हें मारना चाहती क्योंकि तुमने उसकी बॉडी को टच किया था तो वो बहुत पहले ही तुम्हें मार चुकी होती। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम उस लड़की की मालिश कर रहे थे तब वो पहले ही जाग चुकी थी। एडर गोयू की बात को सुनकर जियान अचानक ही चौंक जाता है क्योंकि उस टाइम पे जियान कियान यान की बॉडी में मेडिसिनल पिल को फ्यूज करने के लिए परेशान था और उसकी मालिश करने में बिजी था। जियान को नहीं पता था कि वो जाग रही है या नहीं, लेकिन अगर गोयू ने ऐसा कहा था तो इसका मतलब था कि गोयू ने भी सब कुछ टेलीकास्ट देखा है, वो भी लाइव। और ये सोचते ही जियान का चेहरा अचानक लाल हो जाता है, जिसके बाद जियान तुरंत ही मुड़कर कियान यान की तरफ देखता है और तुरंत ही चौंक जाता है कि वो भी उसी तरफ देख रही थी। जिसके बाद जियान लड़खड़ाती हुई और झिझकती हुई आवाज में कहता है वो ये वो बात। तभी कियान यान कहती है तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसे बस एक सपना समझो और समझो कि कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद अचानक ही उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पे एटमॉस्फेयर भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा हो जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद जियान जो कि ऑकवर्ड फील कर रहा था तुरंत ही वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता है, और जिसके बाद तीन पावरफुल ऑरे को फील करके जियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उन्हें पहचानते हुए कहता है जाइलिंग माउंटेन रेंज के डीप एरिया के तीन किंग स्काई ईगल फ्लेम लायन जियोंग गैंग। जियान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो साथी जियान का पीछा करते हुए यहाँ तक आएंगे। हालांकि जियान के लिए अभी भी अच्छा था कि उसका इसका एक्सटेक्शनिस्ट है विंड मूवमेंट स्टेज पर एंटर हो चुका था, जिसके बाद जियान उनके साथ भागने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था। हालांकि तभी जियान अचानक ही परेशान हो जाता है क्योंकि जियान तो उन तीनों से नहीं डरता था, लेकिन इस टाइम पे जियान के पास कियान यान थी जो कि थोड़ा सा परेशानी वाला काम हो सकता था। हालांकि तभी एक गड़गड़ाहट के साथ आवाज आती है, आपने तो हमें वास्तव में चौंका दिया, इस किंग ने तो सोचा था कि आप उस दिन उस गड्ढे में गिरकर मर गए होंगे, लेकिन यह तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि आप अभी भी जिंदा हैं। इस वॉइस को सुनकर जियान थोड़ा सा दिल को कांपता हुआ फील कर सकता था क्योंकि यह वॉइस जिसकी थी वो था फ्लेम लायन। फ्लेम लायन पहले ही उस बड़ी लड़ाई को लेकर काफी ज्यादा हैरान था और जब उसे न्यूज मिली कि जियान अभी भी जिंदा है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, और जब उन तीनों ने जियान के ऑरे को फील किया तब वो और भी ज्यादा हैरान थे। हालांकि जियान उनके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता, बस स्माइल कर देता है, जिसके बाद जियान तुरंत ही एक वार्म होल को क्रिएट करते हुए वहां से जाते से पहले कियान यान से कहता है कि अगर आप चाहती हैं तो कि यहां कुछ भी ना हो तो जल्द से जल्द आपको इस जगह को छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद जियान तुरंत ही आसमान में टेलीपोर्ट होता है और अपने सामने 1000 फीट दूर खड़ी उन तीन ह्यूमन फिगर को देखता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस तरीके से जियान को देख रहे थे। जियान की बात को सुनने के बाद भी कियान यान नहीं जाती और जियान को ही देख रही होती है। साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक अजीब ही स्माइल थी और साथ ही साथ काफी ज्यादा चंचल से फेस इंप्रेशन थे और वो अपनी आंखों से जियान को ही देख रही थी। जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहती है मुआवजा भी बाकी है, और इसके बाद शरारती तरीके से स्माइल करते हुए चट्टान पे जाकर बैठ जाती है और जियान और इसका ईगल को देखने लगती है जो कि आसमान में आमने सामने थे। इस टाइम पे कियान यान कहती है ओह वास्तव में तीनों एक साथ आए हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इसने आपने उनके साथ क्या किया है कि वो तीनों आपके पास आ गए। हालांकि वो जियान की मदद नहीं कर सकती थी लेकिन थोड़ा सा एक्साइटेड फील कर रही थी, और साथ ही साथ वो जानना चाहती थी कि जियान इतना कॉन्फिडेंस लाता कहां से है कि वो उन तीनों का सामना करने के लिए भी खड़ा हो गया, ये हिम्मत आखिरकार कहां से आ रही है। इस टाइम पे कियान यान जियान के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, साथ ही साथ जियान को देखते हुए उसका मुंह थोड़ा सा फूला हुआ भी था। भाई मेरे को लगता है कि इस वाली नोवेल की हीरोइन यही होने वाली है, क्योंकि जियान वो हर किसी के साथ नहीं करता जो इसके साथ हुआ है। इसकी पावर भी जियान के साथ मैच कर रही है, वाइब भी मैच कर रही है। इस टाइम पे जियान आसमान में इसका ये गल और उसकी तिकड़ी को देख रहा होता है। जियान को अच्छी तरीके से याद था कि उन तीनों के साथ लड़ते हुए जियान की क्या हालत हुई थी, साथ ही साथ सेम थॉट उन सामने वालों के भी थे क्योंकि उन्होंने जियान के साथ फाइट करते हुए अपनी काफी सारी पावर को डेड कर दिया था और जो कीमत चुकाई थी वो भी काफी ज्यादा थी, जिसके कारण उन्होंने जब जियान को एक बार फिर से देखा तो उनके दिल में मड्रास और अचानक ही रिलीज होने लगा। हालांकि तभी फ्लेम लायन कहता है मुझे परवाह नहीं कि तुम उस दिन कैसे बचे, लेकिन एक बार तुम फिर हम तीनों से मिले हो मैं इस बार तुम्हें बचने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और इतना कहने के साथ ही तीनों एक एक कदम तक बढ़ जाते हैं और अपने ऑरे को जियान के ऊपर बढ़ा देते हैं। हालांकि इस पावरफुल प्रेशर के सामने भी जियान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते, जिसके बाद जियान भी आधा कदम आगे बढ़ता है और अपनी बॉडी की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद जियान की बॉडी से ऑरा निकलता है और तुरंत ही उनके ऑरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और प्रेशर को रोकने लगता है। तभी क्या न्यान जो हुए हैं बच्चे, आपकी पावर इतनी कैसे बढ़ सकती है? उन्हें अच्छी तरीके से याद था कि पहले जियान उनके सामने इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ना ही उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस टाइम पे जियान का ऑरा उन तीनों के ऑरे को सप्रेस करने में कैपेबल था। साथ ही साथ जियान ने अपने ऑरे से उन्हें भी प्रेशर फील करा दिया था। हालांकि तभी इसका ईगल कहती है ये इसके मिस्टीरियस ऑरे का प्रेशर है, अटैक करो मुझे विश्वास है इसकी पावर उतनी ज्यादा नहीं होगी।
जिसके बाद इसका ईगल तुरंत ही पलक झपकते ही जोयान के सामने आ जाता है और जोयान के ऊपर अपना पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि होता है इसका ईगल व्हीपिंग किक। हालांकि जोयान इस टाइम पे इस किक के सामने इतना ज्यादा सीरियस नहीं था जितना कुछ महीनों पहले था। इस टाइम पे जोयान बस धीमी सी स्माइल करता है और तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर कुछ दूरी पर अपीयर हो जाता है। ये देखकर फ्लेम लायन, जोंग गैंग और स्काई ईगल खुद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि जोयान उसके अटैक से इतनी आसानी से डॉच कैसे कर सकता था। हालांकि उन्हें पता था कि जोयान अपनी स्पीड के साथ इसका ईगल को पीछे छोड़ सकता था और इसका ईगल को पकड़ने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा इजीली उसके अटैकों से डॉच कर रहा होता है और इस टाइप की स्पीड पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर जोयान को पॉपुलर कराने में कैपेबल थी। इस टाइम पे क्यान भी काफी ज्यादा अजीब तरीके से चौंक गई होती और जोयान को देख रही होती, वो भी इंटरेस्टेड तरीके से। क्यान को अच्छी तरीके से पता था कि तियान्यान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, भले ही उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन जोयान जो कि एक 5-स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल का वॉरियर था, वो इस अटैक को इतनी आसानी से डॉच कैसे कर सकता था, इसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद क्यान्यान को अचानक याद आता है कि जब वो अपनी बेहोशी से जागी थी तब जोयान ने उसे कहा था कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उसे उसने पहले ही मार दिया है। उस टाइम पे क्यान्यान ने जोयान की बात पर ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि जोयान की पावर केवल 5-स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल पर थी और जिसे जोयान ने मारा था वो 9-स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल का वॉरियर था। लेकिन आज के सीन को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जोयान ने जो कहा था वो शायद सच ही था। हालांकि इसका ईगल तभी कहती है, भाई तुम्हारे लिए खुश होना काफी ज्यादा जल्दबाजी हो गई। इस टाइम पे क्यान्यान का पूरा चेहरा ही सदमे से भरा हुआ था और ये वर्ड अचानक ही उसके मुंह से निकल जाते हैं, क्योंकि उसने देखा था कि एक 5-स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर की पावर इक्वली 9-स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर के साथ मेल खा रही है और पूरे कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसा आज से पहले ना आज के बाद कभी होने वाला था। हालांकि तभी जोयान भी इसका ईगल की बात को सुनकर कहता है, कुछ भी असंभव नहीं है, बस इतना है कि आपने अभी दुनिया देखी नहीं है। जिसके बाद दोनों के ही पंच एक दूसरे से एक बार फिर टकराते हैं और दोनों एक एक कदम तक पीछे हट जाते हैं। तभी जोंग गैंग कहता है, ये बच्चा कितना ईगोफुल है, चलो एक साथ हमला करते हैं और इसे मार कर काम खत्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने फील कर लिया था कि इसका ईगल जोयान को अकेले सप्रेस करने में कैपेबल नहीं है, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत ही अपने डुइक्यू को बाहर निकालते हैं। तभी फ्लेम लायन कहता है, ये बच्चा मुझे सच में काफी ज्यादा क्यूरियस बना रहा है, एक 5-स्टार की पावर के साथ ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। जिसके बाद उसकी बॉडी से उसकी रेड कलर की डुइक्यू और फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाती है और काफी ज्यादा स्पीड के साथ जोयान की तरफ वो चार्ज हो जाता है और पलक झपकते जोयान के सामने भी आ जाता है और इसके बाद उसकी स्कारलेट फ्लेम रेड फ्लेम तुरंत ही उसके पंच को चारों तरफ से कवर करती है और जोयान की तरफ शूट हो जाती है। उसके अटैक को देखकर जोयान बिल्कुल शांत रहता है और तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके अटैक को डॉच करता है, जिसके बाद लायन किंग की जो पंच होती है वो सीधा ही जोयान से टकराती है और सामने वाला पर्सन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि ये एक आफ्टर इमेज थी। ये देखकर फ्लेम लायन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने तो देखा था कि जोयान अभी अभी यही था, इतनी स्पीड के साथ वो कैसे गायब हो सकता है। हालांकि तभी जोयान अचानक ही अपीयर होता है और उसके हाथ में एक प्यारी सी हेवनली फ्लेम होती है और चेहरे पर स्माइल, जो कि सीधा ही फ्लेम लाइन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है और जोयान की डुइक्यू के साथ उसकी हेवनली फ्लेम जो कि काफी ज्यादा गर्म थी, जैसे ही फ्लेम लाइन से टकराती है तो फ्लेम लाइन के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं। हालांकि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर जा चुकी थी, जिससे फ्लेम लाइन का जो चेहरा होता है तुरंत ही लाल हो जाता है और उसकी बॉडी और पसलियों की हड्डियां टूटने की आवाज बार बार सुनाई देती है। जिसके बाद फ्लेम लायन के मुंह से ब्लड रेड क्रिस्टल तुरंत ही निकलने लगते हैं और वो पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है। जोंग गैंग जबरदस्ती उसे पकड़ता है, जिसके बाद जोंग गैंग कहता है, वेसर में बदमाश, तुम निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकाओगे, और इस टाइम पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जोयान कहता है, मैंने ये वर्ड पहले भी कई बार सुने हैं, हालांकि मैं अभी भी मैं ही हूँ और ऐसा बोलने वाले मुझे नहीं पता कहाँ है। हालांकि तभी आसमान में इसका ईगल उड़ती हुई आती है और जोयान को अपने पंजों में फंसा लेती है। तभी इसका ईगल कहती है, आपने बार बार हमारे धैर्य को चुनौती दी है, भले ही आप कुछ टाइम तक रुक सकते हो, लेकिन मैं आपको आज यहाँ से जाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस टाइम पे इसका ईगल की लाल आंखें हो चुकी थी और मंडरस ऑरा उसकी बॉडी से रिलीज हो रहा था, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ब्लड ईगल कर्स, और इतना कहने के साथ ही इसका ईगल के शरीर से ब्लडी फॉग रिलीज होने लगता है, जो कि उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है और उसके व्हाइट पंजों में भी अजीब और गरीब रेखाएं आ जाती हैं, जिसके बाद इसका ईगल की जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर जोयान कहता है, हिडन टेक्निक,
क्योंकि जॉन ने उसकी बॉडी से निकलने वाले ऑरे को फील कर लिया था। यहाँ पे जॉन अपनी इसका एक्सटेंशन स्टेप का यूज करके पीछे की तरफ जा रहा था कि तभी इसका ईगल भी जॉन का पीछा कर लेता है। हालांकि जॉन की स्पीड कम नहीं थी, लेकिन इस हिडन टेक्निक के कारण इसका ईगल की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और इस टाइम पे जॉन उसके पंजे को अपनी चेस्ट पर गिरता हुआ देख सकता था। तभी अचानक चिंगारी के साथ जोयान का ब्लैक कलर का जो कपड़ा वो पहने हुए होता है अचानक फटता है और जोयान के चेस्ट पे दिखाई देता है उसका ड्रैगन फिनिक्स एशियन टार्मर और पंजे और चेस्ट की टक्कर के साथ सिर्फ वहाँ चिंगारियां निकलती हैं। हालांकि उसे इसका ईगल ने जोयान के एशियन टार्मर के कुछ हिस्से को फाड़ दिया था और जोयान की चेस्ट पर पंजे का निशान बन चुका था जहाँ पे 5 पॉइंट बने हुए थे और उनसे ब्लड निकल रहा था। अपने फर्स्ट अटैक को सक्सेसफुल होता देखकर इसका ईगल तुरंत ही काफी ज्यादा नाराजगी के साथ जोयान के ऊपर अपना बायां पंजा भी हला देता है और उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक के साथ ही जोयान के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और जोयान ब्लड की वॉमिट करता है और तेजी से पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है। हालांकि तभी पीछे जोंग गैंग अपेयर होता है और जोयान को अपनी तरफ आता देखकर उसके हाथ में तुरंत ही येलो कलर की डुई कोई निकल आती है, जिसके बाद एक छोटे से पहाड़ की तरफ वो जोयान के पीछे दौड़ पड़ता है और काफी ज्यादा वाइल्ड अटैक जोयान के ऊपर कर देता है। हालांकि जोयान इस टाइम पे काफी ज्यादा शांत होता है और उसने इसका ईगल और जोंग गैंग को एक के बाद एक आते हुए देखा तो अचानक एक ईविल स्माइल के साथ जोयान का पीछे उड़ता हटता हुआ शरीर हवा में ही गायब हो जाता है, मतलब हवा में ही रुक जाता है। और इसके बाद जॉन तुरंत ही एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और इसके बाद जोर से चिल्लाते हुए कहता है सिक्स ग्रेट वे ऑफ दाओ, जिसके बाद जोयान के पीछे अजीब सा काला कलर का पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही उसके अंदर जाकर तुरंत ही गायब हो जाता है। और इसके अगले ही मूवमेंट पे एक टकराने की आवाज आती है, जिसके बाद कोई देख सकता था जोयान आसमान में खड़ा हंस रहा होता है और इसका ईगल और जोंग गैंग बुरी तरीके से पीछे हट रहे होते हैं क्योंकि जॉन की इस स्किल ने उन्हें काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कराया था। जिसके बाद वो दोनों अपने आप को कंट्रोल करते हैं और जॉन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं लड़के तुमने वास्तव में हम दोनों को धोखा दिया है। ये देखकर जॉन तुरंत ही कहता है ये सब लोग तुम्ही ने क्रिएट किया है, तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो। ये देखकर जॉन को जोंग गैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है सबसे पहले इस राजा का मुक्का खाओ, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर जोयान की तरफ बढ़ता है। उसी टाइम पे इसका ईगल भी सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर जोयान सिर्फ एक कोल्ड स्माइल पास करता है, जिसके बाद जोयान के हाथ तुरंत ही एक बार फिर से उठते हैं और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं और जोयान की डोई कोई बाहर निकल आती है। इस टाइम पे इसका ईगल और जोयान के बीच की डिस्टेंस काफी जल्दी कम होती जा रही थी और 1000 फीट से अब 100 फीट हो चुकी होती है। हालांकि यहाँ पे जोयान अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करने की स्पीड थोड़ा और बढ़ा देता है, साथ ही साथ जोयान यहाँ पे फुल तैयारी में था। हालांकि तभी एक आवाज आती है बास्टर्ड मरो, और ये जोंग गैंग की होती है जो कि जोयान के पास पहुंच चुका था, जिसके बाद उसका हाथ जो कि पत्थर के हथौड़े के जैसा था जोयान के सिर की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे जोंग गैंग के पीछे इसका ईगल भी आ चुका होता है और जोयान को देखकर अचानक उसे कुछ शक होता है और कुछ गलत होने का लगता है। हालांकि तभी जोंग गैंग के अटैक के सामने जोयान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को अपेयर करता है, जिसके बाद उन दोनों जोंग गैंग और इसका ईगल की जो सोल होती है स्टन हो जाती है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपना दूसरा अटैक अपेयर करता है जो कि एक फायर रिंग होती है और इस अटैक का नाम होता है एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म। तो चलो ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी काम से जाना है।